कितने जंगल हैं इंडिया में जो जंगल लाइफ पर मूवी बनाने जा रहे हैं सोहिल खान भारत देश में दो साल में 6,778 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़े कुल जंगल क्षेत्र के हिसाब से भारत अब दुनिया की टॉप दस देशों में शुमार हो गया यह बातें सोमवार को जारी रिपोर्ट से सामने आई है केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने देश में फॉरेस्ट की स्थिति पर दो सालों की रिपोर्ट जारी की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में देश में टोटल फॉरेस्ट एरिया 7.01 लाख वर्ग किलोमीटर था जो 2018 में बढ़कर 7.08 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया यह हिस्सा भारत के कुल भूभाग का 21.54 परसेंट है हालांकि वन क्षेत्र में इजाफे का अभी भी एक परसेंट ही है इन दो सालों में यानी कि 2015 से 2017 के बीच देश में एक हेक्टर से कम इलाकों में बसे जंगल में 1,243 वर्ग कमी का इजाफा हुआ है अब ऐसे जंगल 93,815 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल ओडिशा और तेलंगाना में इन दो सालों में सबसे ज़्यादा जंगल बढ़े जबकि मिजोरम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा और मेघालय में सबसे ज़्यादा जंगल घटे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 77,414 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर जंगल हैं दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है जिसमें 66,964 वर्ग किलोमीटर और तीसरे पर छत्तीसगढ़ है जिसमें 55,547 वर्ग किलोमीटर है रिपोर्ट जारी करते हुए कहा गया कि हरित भारत मिशन राष्ट्रीय कृषि वानकी नीति और संयुक्त वन प्रबंधन जैसी वन संरक्षण नीतियों की बदौलत ही देश को हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है फॉरेस्ट एरिया के मामले में अब हम टॉप दस देशों में हैं लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि बाकी नौ देशों में जनसंख्या घनत्व भारत के 382 के मुकाबले 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दुनिया के कुल क्षेत्र का 2.4 परसेंट भारत में ही है इस लिहाज से हमने देश में वन क्षेत्रों को बढ़ाने में अच्छा काम किया है दो साल बाद आई इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए देश में अठारह हजार स्थानों पर सर्वे किए गए देश के पंद्रह राज्यों में थर्टी थ्री परसेंट से ज़्यादा हिस्सों पर जंगल है इनमें से सात राज्यों के सेवेंटी फाइव परसेंट से भी ज़्यादा हिस्सों पर जंगल है इसी जंगल की अनोखी लाइफ को दिखाने के लिए सुहेल खान काफ़ी सालों की स्क्रिप्ट पर तैयार कर रहे हैं जिसके चलते इसमें कई बदलाव भी किए गए और नए किस्सों कहानियों को ऐड भी किया गया और अब मूवी पर काम करने के लिए खान भाई पूरी तरीके से तैयार हैं धन्यवाद